हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शाइस्ताज स्पेशल मेनू। आज हम आप लोगों के साथ मटन कलेजी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जिसे आप 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। वो भी एकदम सॉफ्ट और मज़ेदार। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिससे आपकी कलेजी हार्ड नहीं होगी और एकदम सॉफ्ट बनेगी। चलिए इसे अब बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी के लिए हमने 500 ग्राम मटन लीवर लिया था, जिसे हमने 1 टीस्पून वाइट विनेगर डालकर अच्छे से मिलाकर 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद हमने इसे साफ पानी से वॉश कर लिया। रेसिपी में यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट जिसमें जिंजर, गार्लिक, ओनियन पेस्ट, चॉप्ड ओनियन, ग्रीन चिली और कर्ड हैं। सबसे पहले गैस पर एक पैन रखेंगे, इसमें 4-5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब गर्म हो जाए तो इसमें चॉप्ड ओनियन डाल देंगे। इसके बाद ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे। गैस को हम चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे। गैस हमारी लाइट ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट डालेंगे। जिंजर गार्लिक को आधा मिनट तक प्याज के साथ पकाने के बाद इसमें 3 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें हम 2 टेबल स्पून दही डालेंगे। हम सारे मसालों को अच्छे से मिलाकर इसे ढककर 5-7 मिनट तक के लिए पकने के लिए रख देंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं और मसालों से तेल अलग होने लगा है। अब इस स्टेज पर हम इसमें कलेजी को डाल देंगे। कलेजी को डालने के बाद हम इसको मसालों के साथ थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे। कम टाइम में सॉफ्ट कलेजी बनाने के लिए हमें बस ये करना होगा कि इसे बनाने से पहले कलेजी को हम विनेगर में 10 मिनट के लिए डिप करके रख देंगे। विनेगर की वजह से कलेजी सॉफ्ट भी हो जाती है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। इसे हम बिना कुकर का यूज़ किए इसे डायरेक्ट पैन में भी बना लेंगे। दूसरा ये कि कलेजी को हमें बहुत देर तक नहीं पकाना होता है, बहुत देर तक पकाने से ये हार्ड हो जाती है। आप 10 मिनट ढक कर पकाने के बाद चेक करें, अगर वो सॉफ्ट हो गई है तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें। कलेजी को मसालों के साथ भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और कलेजी ने जो पानी छोड़ा था वो भी सारा सूख चुका है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून घर की मलाई या फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपको लगे कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा। अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसे लो फ्लेम पर 8-10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। देखिए कलेजी हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब हम इसे चेक करते हैं कि सॉफ्ट हुई है कि नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए एकदम से आसानी से कट जा रही है। हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए एकदम मज़ेदार सी और वो भी इतने कम टाइम में मटन कलेजी बनाकर तैयार कर लिया। इसे पराठे, पूरी, नान, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।